हेलो फ्रेंड्स, टिडबिट्स ऑफ लाइफ में आप सभी का स्वागत है। सर्दियों का ये फूल है साल्विया, जो कि अपने लाल रंग के लिए जाना जाता है। ऊपर छत पे बोरी में जहाँ गेंदे के फूल लगे हुए थे, वहीं पे इसका एक बीज कहीं से गिरा और इसमें जब फूल आए तो मैंने इसे देखा। मैंने सोचा कि इसको यहाँ से निकाल के मैं दूसरी जगह लगा दूँ ताकि ये अच्छी तरह से खिल सके। इसमें बहुत सारी स्टिक निकलती है और पूरी स्टिक में लाल ही लाल फूल दिखाई देते हैं। अगर हम क्यारियों में इनको लगाते हैं तो काफ़ी सुंदर लगती है, पूरी क्यारी लाल दिखाई देती है। लंबाई में ये करीब 1.5-2 फुट ऊंचे होते हैं, जिससे ये पीछे साइड में लगाए जाते हैं। बोरी काफ़ी फटने लगी थी और मिट्टी चारों तरफ से गिर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको यहाँ से मैं निकाल दूँ और कहीं दूसरी जगह लगा दूँ। अगर इसकी अच्छी तरह से देखभाल की जाएगी तो ये काफ़ी सुंदर लगेगा। ऊपर का जो फूल था उसको मैंने कट कर दिया ताकि पौधा घना हो सके। उस पौधे को फिर मैंने सोचा कि यहाँ से निकाल दूँ, इसलिए मैंने थोड़ी सी मिट्टी में पानी हल्का सा डाला, काफ़ी सूखी हुई मिट्टी थी, और उसके बाद उसको निकालने की कोशिश की। काफ़ी बड़ी जड़ हो गई थी इसकी, लेकिन मैंने एक चक्कू की सहायता से काफ़ी बड़ा एक गोलाई में निशान बनाया और धीरे धीरे करके इस पौधे को निकाल लिया। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि अगर जैसे किसी की ज़रूरत है और उसकी सहायता की जाए, उसी तरह से अगर हम पौधों को निकाल के और उनकी थोड़ी देखभाल करेंगे तो वो हमारे घरों में लगे हुए और भी सुंदर लगते हैं। काफ़ी अच्छी तरह से पौधा निकल लिया था और मुझे लग रहा था कि अब ये लग जाएगा और ये सूखेगा नहीं। मैंने एक पॉलीथीन, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाली और ऊपर छत पे सूखी हुई बहुत सारी आम की पत्तियां थीं, उन पत्तियों को चूरा करके उस मिट्टी में मिला लिया। ये मैं सबसे ज़्यादा इसी खाद को यूज़ करती हूँ, इससे मिट्टी बिल्कुल हल्की हो जाती है और पानी आराम से निकल जाता है। इससे मैंने पॉलीथीन भर दिया और उसमें उस पौधे को, जो मिट्टी जितनी उसमें लगी हुई थी जड़ में, उसके साथ ही रख दिया। उसके बाद उसमें चारों तरफ से और मिट्टी की ज़रूरत थी, जो मिट्टी मैंने बनाई थी आम की पत्तियों को मिक्स करके, उनको चारों तरफ से भर देंगे। पौधे को अच्छी तरह से ऊपर तक मिट्टी से ढक दिया, उसकी जड़ चारों तरफ से ढक गई थी और अब शायद ये पौधा बच जाएगा। फिर मैंने उसको थोड़ा थोड़ा पानी डाला, छाया में भी, क्योंकि ये पौधा बहुत आराम से रह जाता है, और धूप में भी। लेकिन अभी मैंने नया लगाया था, इसलिए मैंने वहाँ पे पौधों के बीच में इसे रख दिया, और जब इसकी बहुत सारी ब्रांच निकल जाएंगी तो सारी ब्रांच में फूल ही फूल दिखाई देंगे। अभी ये पौधा हरा भरा हो गया है, अगर इसमें फूल आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।